जी कैसे खेल सकते हैं? मैं इनको छोड़ के आऊंगा पाकिस्तान। आप पाकिस्तान जाएंगे? मैं इनको पाकिस्तान छोड़ के आऊंगा। सीमा को लेकर आप पाकिस्तान? मैं इनको पाकिस्तान छोड़ के आऊंगा। उसको चार बच्चे के बाद पबजी खेलने का समय कब मिला? पांचवीं पास लड़की औरत पबजी कैसे खेल सकती है जबकि उसको स्टार्ट करने में कई प्रोसेस है। मैं यूपीएससी स्टूडेंट हूं, मैं नहीं खेल पाता हूं। मैं एमए हूं पॉलिटिकल साइंस से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। दूसरी बात, ऐसे कई तथ्य मैं आपको दूंगा, इसलिए साफ साबित होगा कि वो एक जासूस है। तीसरी बात, उसके चार उसकी शादी हो गई, गुलाम हैदर पसंद नहीं था, चार बच्चे हो गए, वो भी पहली प्रेम का। चार बच्चे तक पसंद नहीं आया वो। ये सवाल हम संत हम उठाएंगे, ये हमारी स्मिता पर सवाल है। अगर हमारी एक ज्योति मौर्य जिसका भी कोई ना कोई बच्चे से सरोकार था ना कुछ था, जब उसको इतना ट्रोल किया गया तो फिर दोहरा चरित्र पाकिस्तान को लेकर क्यों? कितनी हमदर्दी किस लिए? नहीं तो खाए नरेंद्र मोदी कसम, खाए इस महाकाल की कसम, खाए भगवत गीता की कसम, एक भगवान की कसम खा के आगे बताए कि यहां पे बताए आके ऐसे कसम खाए कि इसने नहीं बुलाया, इसने सीमा को नहीं बुलाया। किसने? मोदी ने। खाए कसम, खाए यहां पे आके भाजपा ने नहीं बुलाया हमला करवाने के लिए। सीमा हैदर को नरेंद्र मोदी ने बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? बीजेपी वाले ने बुलाया? क्यों नहीं बुलाया? ये आरोप है आपका? बिल्कुल। मैं तब तक उसकी जांच होनी चाहिए। पांच पांच पासपोर्ट लेके वो चली आई, देश सुरक्षा, देश की सीमा है सुरक्षित? वो आई है तो आतंकवादी नहीं आए होंगे? जिस रास्ते से वो आई है क्या जांच हुई कि उससे आतंकवादी आए कि नहीं आए? मैं देश नहीं बिकने दूंगा, मैं देश नहीं ऐसे करने दूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। अरे डूब के मर जाओ, इतनी बार आई है बेसरमो दलालो हफ्सियो, देश को बेचने वालों जल्लादो, पूरी जनता बाहर में फंसी है और ये प्रलय काम कर दिए इन्होंने। आप दो कंट्री दो देशों के मोहब्बत को बैरियर लगा रहे हैं, दरार पैदा कर रहे हैं। काहे की मोहब्बत? देखो पाकिस्तान भूखा मर रहा है, देखो पाकिस्तान का ये हो रहा है, देखो पाकिस्तान गरीब हो गया है। बड़ा मजा लेते थे तुम लोग, क्यों पत्रकार बोलो बेशर्मो, तुम ही दिखाते थे ना। ये जासूसी वाला मामला है, मैंने जितनी बातें गलत नहीं हुई है, मैंने कहा था प्रलय आएगा, वहां प्रलय आएगा। ओबीसी साहब ने कहा कि चार दामाद को लेकर आई है। बिल्कुल भाई, और क्या, अंधभक्तों के जीजा वैसे मुसलमान बहुत है, बिजली में जितने भी अंधभक्त उनके जीजा मुसलमान है। तो नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगा रहे हैं कि यहाँ की नागरिकता दी? नहीं, मेरा पासपोर्ट तैयार है, मैं वीजा के लिए भीख मांगना स्टार्ट कर दूंगा, मैं इनको छोड़ के आऊंगा पाकिस्तान। आप पाकिस्तान जाएंगे? मैं इनको पाकिस्तान छोड़ के आऊंगा। सीमा को लेकर आप पाकिस्तान? मैं इनको पाकिस्तान छोड़ के आऊंगा। इसमें बीजेपी के कई बड़े धर्मशास्त्री और धर्मगुरु मां भी इसका विरोध कर रही है, और उन्होंने मुझको बकायदा फोन भी किया था कि पंडित जी, नहीं नहीं आप सुनिए, बीजेपी के कई बड़े धर्मगुरु जो बीजेपी की तरफ से बोलते हैं उन्होंने मुझे फोन किया है, और कई मां भी है, साध्वी मां भी है, बहुत से लोगों ने फोन किया कि इसको तुम्हारे हाथ भेजो, हमें ये प्रलय नहीं चाहिए, क्योंकि सभी संत जानते हैं कि ये प्रलय की निशानी है, ये इस तरह की महिला शुभ नहीं हो सकती। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं, जिस तरीके से मुंबई पुलिस को थ्रेट मिल रहे हैं उर्दू में कि अगर सीमा को वापस पाकिस्तान नहीं भेजा तो 26/11 जैसे हमले को अंजाम दिया जाएगा। तीन आतंकवादी छोड़ के कह रहे हैं पाकिस्तान जाएंगे? तीन आतंकवादी छोड़ सकते हैं तो इसे पाकिस्तान छोड़ने में क्या दिक्कत है? आप पाकिस्तान के एजेंट हैं? कौन आप? मैं सवाल उठेगा, बिल्कुल मैं छोड़ के आऊं पाकिस्तान। आपका पाकिस्तान प्रेम? मेरा जांच करा लो, मैं कहां पैदा हूं, मेरा काम काज क्या है, तो सरकार आराम से निकाल लेगी। क्यों आप छोड़ना चाहते हैं सीमा को? ये वापस जाए भाई, जासूसी अगवाएंगे क्या, हमारे लोग मर जाएंगे तब? सरकार तो क्या छोड़ी, मैं समझा नहीं पाया। इतना पाकिस्तान प्रेम क्यों आपके अंदर? पाकिस्तान प्रेम नहीं है, हिंदुस्तान से प्रेम है, इसीलिए हमारे पुलवामा जैसे में बैरिक जवान शहीद हो, इसलिए भी हम कह रहे हैं हमारा पासपोर्ट तैयार है, हम देख छोड़ने जाएंगे इनको, हम भीख मांगेंगे लेकिन इसको यहाँ रहने नहीं देंगे। यहाँ की जांच एजेंसी देश के नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री, अरे की एजेंसी चली तो आई एजेंसी, क्या एजेंसी, क्या सुरक्षा चली तो आई वो यहाँ पे आगे साली गली वीडियो बना रही है, क्या मजा है, कोई पाकिस्तान से आगे वीडियो बनाएगा आतंकवादी तरह, मजा बना के रखे हो देश का? आप पंडित हैं, चुप रहो तुम, आप पाकिस्तान जाएंगे? अरे पाकिस्तान वहां हमारे कई माता हिमराज माता का मंदिर भी है, जहां माता का सिर कट के सिर की वहां रखा हुआ है। पाकिस्तान जाएंगे? हाँ, वहां की मंदिरों का दर्शन करेंगे, मोहिता मस्जिद नहीं जाएंगे, वहां के मंदिरों में जाएंगे। कंट्री जाएंगे इस बेस में? क्यों नहीं जा सकते, क्यों नहीं जा सकते भाई, क्यों? हम जाएंगे बिल्कुल, दुबई भी जाएंगे, कतर जाएंगे, कहां जा